गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आज हम लोग लर्न करने वाले हैं जनरल नॉलेज में अमेजिंग बर्ड्स अमेजिंग बर्ड्स अमेजिंग बर्ड्स अमेजिंग बर्ड्स वॉट द मीनिंग ऑफ अमेजिंग इज अमेजिंग मीन्स अद्भुत अद्भुत आश्चर्यजनक गजब के सो so फिर अद्भुत पक्षियों के बारे में बर्ड्स मीन्स पक्षियां चिड़िया ओके okay? सो so हम लोग लर्न करेंगे अमेजिंग बर्ड्स अमेजिंग मीन्स अद्भुत अमेजिंग जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है ना तो आप उसे क्या कहते हैं अमेजिंग 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 कहते हैं जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है जैसे आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी हो तब भी हम उससे बोल सकते हैं कि अमेजिंग हैंडराइटिंग अगर आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि आप एकदम से अमेजिंग लुक है आपका आप एकदम यू आर लुकिंग अमेजिंग यू आर लुकिंग अमेजिंग आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं ओके okay? आश्चर्यजनक अद्भुत गजब का क्या कहते हैं अमेजिंग सो ये वर्ड हम लोग लर्न करेंगे अमेजिंग अमेजिंग मीन बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा गजब का अद्भुत बर्ड्स बर्ड्स तो हमें पता है बर्ड्स किसे बोलते हैं, लो? हैं हम लोग चिड़िया को बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना हम लोग इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स में लर्न कर चुके हैं हम लोग ओके okay? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि नेम द बर्ड्स हम लोगों को बर्ड्स के नेम्स लिखने हैं विद द हेल्प विद द हेल्प मतलब हेल्प मीन सहायता मदद के साथ ऑफ डोरेमन एक डोरेमन है जो आपके बुक के सबसे लास्ट में दिया हुआ है दिस वन दिस वन दिस इज द डोरेमन ये सबसे आपके बुक के कॉर्नर में दिया हुआ है और इसमें क्या है कुछ नेम्स लिखे हुए हैं कौन कौन से नेम्स लिखे हैं आल कीवी पीकक पैरट पैंगविन एंड ईगल सो इसकी मदद से इसकी हेल्प से हमें क्या करना है इसकी हेल्प से हमें इन बर्ड्स के नेम्स लिखने हैं, चलो वैसे तो हम लोग पढ़ते ही पहचान जाएंगे देखते हैं पढ़ते हैं दिस हम लोगों को क्या करना है फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हर एक वर्ड को पढ़ेंगे उनके मीनिंग्स को लर्न करेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटायर सेंटेंसेस ओके चलो दिस यह बर्ड यह जो चिड़िया है यह चिड़िया कम्स आती है आउट बाहर इन द नाइट रात में सो so एक ऐसी बर्ड है जो कब बाहर आती है रात में बाहर आती है कौन सा ऐसा बर्ड होता है जो हमेशा रात में बाहर आता है और वो दिन में बाहर नहीं आता क्योंकि उसे दिन में दिखाई नहीं देता है एंड इट कांट यह नहीं कर सकती सी इट कांट सी यह देख नहीं सकती प्रॉपरली प्रॉपरली मीन्स ठीक से ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान दिन के दौरान इसे अच्छे से दिखाई नहीं देता प्रॉपरली मीन्स ठीक से आपको भी टीचर्स बोलते हैं ना सेट प्रॉपरली ठीक से बैठिए अच्छे से बैठिए सही तरीके से बैठिए सो so, प्रॉपरली मीन्स ठीक से सो so, ये वर्ड भी हम लोग लर्न करेंगे प्रॉपरली 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 मीन्स ठीक से सो इट कान सी या नहीं देख सकती प्रॉपरली ठीक से ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान सो so, इसे दिन में अच्छे से दिखाई नहीं देता है अब आप इसके फिगर को देखिए और इसे पहचानने की कोशिश करिए सो वर्ड दिस बर्ड इज क्या कौन सी बर्ड है ये दिस बर्ड इज आउल ओ डब्ल्यू एल उल्लू उल्लू होता है ऐसा जो हमेशा क्या करता है जो रात में बाहर आता है और वो दिन में बाहर ही नहीं आता क्योंकि उसे दिन में दिखाई नहीं देता है कम टू द नेक्स्ट दिस इज सेकेंड नंबर पढ़ते हैं, दिस यह इज है आवर हमारा नेशनल राष्ट्रीय नेशनल मतलब राष्ट्रीय पूरे देश का नेशनल मतलब पूरे देश का बर्ड ये हमारा राष्ट्रीय बर्ड है ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है कौन होता है ऐसा हमारा नेशनल बर्ड कौन है ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है नेशनल बर्ड कौन है हमारा नेशनल बर्ड होता है पीकक चलो और पढ़ते हैं इट यह डांसिस डांस दान्स करता है वेन जब इट रेन्स रेन मीन्स बारिश तो जब बारिश होती है तो ये डांस करता है अब आप लोग ये फिगर देखेंगे ये फिगर देखे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा है ना कौन है ये पीकक तो हम लोग यहाँ पे नाम क्या रखेंगे पीकक पी ई -E ए सी ओ सी के पीकक। और हमें ये कर्सिव हैंड राइटिंग हमेशा प्रैक्टिस करनी है डन हमेशा हमें कैसे लिखना है कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे मैंने यहां लिखा और मैंने यहां पे भी लिखा ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट अगेन द पॉइंट थर्ड फिर से पढ़ते हैं दिस यह इज है अ एक बिग बड़ा सा बर्ड ये एक बहुत बड़ा बर्ड है इट कैन फ्लाई यह उड़ सकता है वेरी हाई वेरी मीन्स बहुत ज्यादा हाई मीन्स ऊंचा सो ये कैसे करता है ये बहुत ही बिग बर्ड है दिस इज अ बिग बर्ड एंड इट कैन फ्लाई वेरी हाई और यह बहुत ऊंचा उड़ सकता है इट हैज इट हैज इसके पास है अलार्ज बहुत लंबा सा पावरफुल और ताकतवर पावरफुल मीन्स ताकतवर जिसमें पावर हो पावर ताकत पावरफुल ताकतवर बीक बीक मतलब चोंच सो इसकी चोंच जो होती है ये देखो चोंच सो इसकी जो चोंच होती है इसकी जो बीक है ये बीक क्या है बहुत ही लार्ज होता है और ये बहुत ही पावरफुल होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने लर्न किया था जब हम लोग एनिमल्स लर्न कर रहे थे एंड हम लोगों ने ये भी जाना था कि इसका बीक इतना पावरफुल होता है कि ये बहुत बड़े बड़े जानवर को भी बहुत बड़े बड़े एनिमल्स को भी अपनी बीक में लेके उड़ जाता है और ये बहुत ही ताकतवर होता है और बहुत ऊंचा उड़ता है क्या बोलते हैं इसे दिस इज कॉल्ड ईगल ईगल ई ए जी एल ई ईगल ईगल मीन्स गिद्ध ओके सो दिस इज कॉल्ड दिस बर्ड इज कॉल्ड ईगल चलिए नेक्स्ट नंबर फोर पढ़ते हैं ये बर्ड हम लोग को जनरली देखने को नहीं मिलता है ये देखो ये हमें जनरली अपने हाथ देखने को नहीं मिलता है लेकिन चलो ठीक है इसे हम लोग बुक से ही लर्न करते हैं कि दिस बर्ड कैन वॉक ये वॉक कर सकता है वॉक मीन्स टहलना ये चल सकता है जमीन पे बर्ड लेकिन कैन नॉट फ्लाई लेकिन ये उड़ नहीं सकता फ्लाई मीन्स उड़ना सो तो ये एक ऐसा बर्ड होता है जो सिर्फ चल सकता है लेकिन उड़ता नहीं है बर्ड्स तो जनरली उड़ती है ना बर्ड्स तो जनरली क्या करते हैं फ्लाई करते हैं सो ये एक ऐसा बर्ड है जो वॉक तो कर सकता है वॉक कर सकता है लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकता इस बर्ड को हम लोग करते हैं कीवी क्या कहते हैं इसे कीवी के आई डब्ल्यू आई कीवी दिस इज कीवी ओके okay? कीवी ये हम लोगों को दिखाई नहीं देता है इसलिए हम लोग इसे पहचान नहीं पा रहे होंगे लेकिन कोई बात नहीं बुक से ही पहचान के लिखते हैं और अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक ऐसे बर्ड का नाम बताओ जो वॉक तो कर सकता है दैट कैन वॉक बट कैन नॉट फ्लाई तो उसका नाम क्या होगा कीवी और अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि, कि कोई एक ऐसा बर्ड बताओ जिसकी बीक बहुत ही लार्ज और पावरफुल होती है एंड दैट बर्ड कैन फ्लाई वेरी हाई इट इज अ बिग बर्ड वो बहुत बड़ा बर्ड है तो कौन सा बर्ड होता है ईगल ओके okay? अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इंडिया का नेशनल बर्ड कौन है दैट एंड इट डांस इन द रेन जब भी बारिश होती है तो वो डांस भी करता है तो वो कौन है Peacock. कौन सा बर्ड होता है पीक और अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि एक ऐसे बर्ड का नाम बताओ जो अब आप लोगों को खुद भी याद आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं कौन हो सकता है आल एक ऐसे बर्ड का नाम बताओ जो रात को बाहर निकलता है दैट कम्स आउट इन द नाइट फाइल इट कान सी प्रॉपरली इन द ड्यूरिंग द डे इट कैन सी प्रॉपरली जो दिन के दौरान क्या करता है अच्छे से देख नहीं पाता है और इट ऑलवेज कम्स आउट इन द नाइट और वो हमेशा रात में बाहर आता है कौन सा बर्ड होता है ऐसा आउल ओ डब्ल्यू एल आउल कम टू द नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट टू बर्ड्स द फिफ्थ नंबर इज दिस बर्ड यह बर्ड लिवस रहती है लिव मीन्स रहना ऑन लैंड वो जमीन पे रहती है एंड इन वाटर और पानी में भी रहती है इन आइसी एरिया ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या होते हैं आइस होते हैं जहाँ पे बर्फ होते हैं तो ये केवल बर्फीली जगहों पे रहता है यानी कि इसको ठंडा बहुत ज्यादा पसंद है आइस जहाँ पे होगी वहां तो ठंड होगा तो इस बर्ड को क्या होता है ठंडी जगह बहुत पसंद होती हैं आइसी एरियाज बर्फीली जगह पसंद होती हैं मतलब बहुत ज्यादा ठंड होती होगी वहां तो और ये क्या करता है ये लैंड पे भी रहता है मतलब जमीन पे भी चलता है और ये पानी में भी डूब सकता है पानी में भी डूब के रह सकता है इट इज अ वेरी गुड स्विमर ये क्या है वेरी गुड बहुत अच्छा स्विमर स्विम करना मतलब तैरना और स्विमर मतलब तैरने वाला इसीलिए तो स्विमिंग पूल बोलते हैं ऐसा पूल जिसमें हम लोग तैरते हैं स्विम करते हैं दैट इज वट कॉल्ड स्विमिंग पूल एंड दिस इज स्विम स्विम स्विमर करने वाले को क्या बोलते हैं स्विमर 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 ओके स्विम सो ये एक ये वेरी गुड बहुत अच्छा तैराकी है पानी में भी बहुत अच्छे से तैरता है ये बर्ड भी हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिखती है ये मेनली कहाँ की बर्ड है ऑस्ट्रेलिया आप लोग क्रिकेट देखते हैं क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम होती है सो so, वो जो एक दूसरा देश है जैसे बहुत सारी स्कूल्स होते हैं वैसे ही बहुत सारे देश भी होते हैं सो ये दूसरे देश का पक्षी है ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है देखना है बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत प्यारा सा बर्ड होता है ये ये क्या करता है इट कैन लीव ऑन इट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर ये सभी जगह पे रह सकता है लैंड पे भी और पानी में भी रह सकता है ये भी उड़ता नहीं है ये उड़ता है लेकिन बहुत छोटी सी चाहिए ऐसे कूदता जैसे जैसे ये जंप कर रहा है ये आसमान में उड़ नहीं सकता और ये आइसी एरियाज में रहता है जहाँ पे बर्फीली जगह होती है वहाँ पे रहता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्वीमर इसका नाम क्या है इट्स नेम इज़ पैंगविन दिस इज पैंगविन पी ई एन जी यू आई एन पैंगविन पैंगविन दिस इज म so, हम लोग लर्न करेंगे नाउ कम टू दिस इज दिक्स इन कलर अब ये बर्ड कैसा होता है सो so, याद करो अभी तक हम लोगों ने जितने भी बर्ड पढ़े इसमें से कोई भी ग्रीन इन कलर था क्या नहीं सो इट इज ग्रीन इन कलर ये कैसा होता है देखने में कैसा लगता है एकदम हरा सा लगता है पत्तियों के जैसे हरा होता है ओके इट लव यह प्यार करता है इट लव्स यह प्यार करता है टू ईट ग्रीन ग्रीन मीन्स हरा चिलीज मिर्च सो इसे टू ईट इसे खाना पसंद है इसे क्या खाना पसंद है ग्रीन चिलीज यह हरा मिर्च एकदम मन से खाता है एकदम प्यार से खाता है इसका फेवरेट फूड है क्या ग्रीन चिलीज इट कैन टक लाइक यू इट कैन यह कर सकता है क्या कर सकता है टॉक यह बात कर सकता है लाइक like यू आपके जैसा लाइक like मीन्स के जैसा यू मीनस आपके सो so, ये आपके जैसा बात कर सकता है सो so, ऐसा बर्ड कौन सा होता है ऐसा बर्ड होता है पैरट दिस इज पैरट पी ए डबल आर ओ टी पैरट पैरट मीन्स तोता सो ये जो बर्ड है ये तो देखते ही हम लोग पहचान जाते हैं इसे हम लोग पेट बर्ड भी बोल सकते हैं लोग अपने पास अपने घरों में रखते भी हैं है ना और ये क्या करता है ये आपकी मिमिक्री कर सकता है ये एकदम आपके जैसे बात कर सकता है आप इससे बात करेंगे तो ये भी वही बात आपको रिपीट करके सुनाएगा ठीक है यानी कि इसके पास ये बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड होता है सो तो अगर आपसे कोई पूछे कोई ये ग्रीन कलर का बर्ड बताओ ग्रीन कलर बर्ड कौन सा बर्ड होता है ग्रीन कलर पैरेट वैसे तो पीक भी होता है लेकिन पीक ग्रीन नहीं होता वो मल्टीपल कलर्स का बर्ड होता है उसके पंख जो होते हैं ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ओके okay? सो so, ये सारी चीजें हमें लर्न करनी है चलो यहाँ पे कुछ और बातें भी लिखी है नो बेस्ट नोज बेस्ट आप लोगों को ये भी मैं पढ़ना सिखाता हूं कोशिश कर रहे हैं बर्ड्स बर्ड्स मीन्स देखो बर्ड बी आई आर डी बर्ड बी आई आर डी बर्ड और इसके आगे क्या लगा है एस इससे क्या हो गया ये प्लूरल हो गया तो बर्ड्स बर्ड्स मीन्स मोर देन वन बर्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स ओके बहुत सारे बर्ड्स कैन फ्लाई वो क्या कर सकते हैं फ्लाई कर सकते हैं उड़ सकते हैं बिकॉज बिकॉज मीन्स क्योंकि दे उनके पास हैब उनके पास दे हैब उनके पास होता है हॉलो बोन्स बोन्स मीन्स हड्डियाँ और हॉलो मीन्स खाली उनके पास जो होती है ना वो खाली हड्डियाँ होती हैं यानी कि उनके बीच में जो बोन मैरोज होते हैं वो बहुत ही लेस डेंसिटी में फिल्ड होते हैं सो so, उनके पास जो बोन्स होते हैं ना वो बहुत हल्की हड्डियां होती हैं इसलिए वो लोग क्या कर सकते हैं उड़ सकते हैं एंड और विंग्स और उनके पास पंख भी होते हैं तो वो पंख के सहारे और हॉलो बोन्स की वजह से क्या करते हैं बर्ड्स कैन फ्लाई बर्ड्स उड़ सकते हैं द फेदर्स ऑन देयर बॉडी हेल्प देम टू फ्लाई और जो उनके बॉडी पे फेदर्स लगे होते हैं वो भी क्या करते हैं उनको हेल्प करते हैं देम टू फ्लाई उड़ने में हेल्प करते हैं ओके सो इन सिक्स बर्ड्स की क्वालिटीज आपको लर्न करनी है जैसे जैसे बुक में बनाया गया है जैसे यहाँ पे देखो बनाया गया ना यहाँ पे ये यह लिखा गया पहले इतना सारा लिखे फिर एक आ, बर्ड पैरट का हम लोगों ने फिगर बनाया फिर यहाँ पे नाम लिखा है सो so आप लोगों को भी यही करना है पहले ऐसे लिखना है इट इज ग्रीन इन कलर इट लव्स टू ईट ग्रीन चिलीज इट कैन टक लाइक यू और फिर लिखना है पैरट इसे क्या कहते हैं पैरेट फिर ऐसे लिखेंगे दिस बर्ड लीब्स ऑन द लैंड एंड इन वॉटर इन आईसी एरिया इट इज अ वेरी गुड स्विमर तो इसे क्या कहते हैं पैंगविन कहते हैं ऐसे ही छ बर्ड्स के छ बर्ड्स के बारे में आपको लिखना है और उनके नाम भी लिखने हैं और अपनी हैंडराइटिंग एकदम अच्छी करनी है एकदम सुंदर सी हैंड राइटिंग करनी है ओके सो दिस इज इट फॉर टूडे हैव अस डे लव यू ऑल बाय